Welcome to a very special day of my life. But why is it special? अरे भाई बर्थडे है यार मेरा. So it's a small story of this year. जब सब लोग problems में है, सब दुनिया में problems चल रहा है, pandemic चल रहा है, फिर भी लोग घूम रहे, वो अलग बात. But this year, after many years, my mom dad planned something for me. ऐसा बचपन में होता था कि मॉम डैड मेरे लिए कुछ प्लान करते थे, सेलिब्रेशन प्लान करते थे. बट इन सम ईयर्स वो बहुत बिजी होने लग गए, थोड़े इश्यूज़ होने लग गए घर में, मेडिकल इश्यूज़, तो उसके वजह से थोड़ा सा हिल गया था. दिस ईयर दे प्लान्ड वेरी ग्रेट सरप्राइज फॉर मी एंड दैट सरप्राइज यू विल सी व्हाट इट वाज. सरप्राइज तो चालू हुआ दो दिन पहले, बर्थडे के दो दिन पहले. सो दो दिन पहले क्या हुआ था, लेट्स सी. ये गिफ्ट देख के आई वॉज सो हैप्पी. और बर्थडे के दो दिन पहले मिला ना, तो अनएक्सपेक्टेडली मिल गया था. तो जब चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होती है, अच्छी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है. और अगर बुरी चीज़ें होती तो वो तो होती रहती है लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली. वो तो हुई उसकी बात. पर बाद में जब मैं क्लास गया था, नॉर्मल रूटीन चल रहा था, क्लास के बाद आने के बाद ऐसी चीज़ हुई कि मतलब देखो, आप ही देखो. जस्ट केम होम, बाहर गेलो होतो. अँड मला आज जायची परमिशन नाही आहे, ॲज यू नो की आपल्याला डेकोरेशनची पिशवी सापडली होती आणि ऑब्व्हियसली ते डेकोरेट करत आहे आणि ते मला माहिती आहे. बट आणि ते त्यांना सुद्धा माहिती आहे की मला माहिती आहे, कारण माझ्यापासून सरप्राईजेस नॉर्मली लपत नाहीत. मला लगेच कळतं की हा बाबा हे असं असं आहे, किंवा कोणी जर मला सरप्राईज देणार असेल तर हा बाबा ये दरवाजा मी स्वतः जाऊन उघडतो. तो ऑलरेडी 12 बज चुके थे, बट फिर भी उनका डेकोरेशन खत्म नहीं हुआ था, वो फिर भी चालू ही था उनका डेकोरेशन. सो 12:15 तक अराउंड आई वॉज सिटिंग आउटसाइड एंड फाइनली द वेट वॉज ओवर. तब जाके मुझे बुलाया गया अंदर और मैंने जो देखा वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने. सो ये सरप्राइज तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. मुझे लगा था कुछ बलून्स फुगाए जाएंगे और केक लाया जाएगा, दैट्स इट. बट दिस टाइम केक्स, कैंडल्स, लाइट्स, बलून्स और पीछे का डेकोरेशन पूरा मिला के मॉम डैड ने बनाया था. एंड आई वॉज डैम हैप्पी, क्योंकि इट फेल्ट लाइक अ चाइल्ड, वापस छोटा हो गया था ऐसा लगा मुझे. और वो फीलिंग बहुत ही अलग होती है, लाइक तुम बड़े हो, यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड योर मॉम डैड मेक्स यू फील लाइक अ किड अगेन. दैट फीलिंग इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. अब बारी आती है डे टू की. डे टू इस साल मैंने कुछ अलग बनाने का सोचा. हर साल बर्थडे के दिन लेट उठना, फिर नहाना, ये सब चीज़ें होती थी. इस साल मैंने डिसाइड किया कि चलो भागने जाते हैं, लेट्स सी कितना भाग सकता हूँ. सो ज्यादा तो नहीं भागा, पर ये एक क्लिप है भागने की, देख लो. फिर भाग के आने के बाद पूरा डेली रूटीन हुआ. उसके बाद मॉम ने आरती उतारी और आरती उतारना इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. एक प्लेजेंट फीलिंग आती है, अपने आप मुंह पे हंसी छूट जाती है. सबके बीच में एक और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था. तो मम्मा ने मुझे कहा कि दादी ने बुलाया है, जाके आशीर्वाद लेके आ जा. तो मैं दादी के पास गया. उस बीच मेरी एक दोस्त घर पे आई. मम्मा के साथ उसने एक प्लान बनाया था जो मुझे कानों कान खबर नहीं थी. पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे कोई सरप्राइज मिला है, क्योंकि हर बार कोई भी सरप्राइज हो
या तो मेरी मम्मी के मुंह से निकल जाता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो हर बार सरप्राइज फूटता है। बट दिस टाइम आई डोंट नो हाउ, बट सरप्राइज मिला, दोस्त आई, केक बनाया। अब बारी आती है स्कूल फ्रेंड्स की। स्कूल फ्रेंड्स ने तो इस बार बहुत ही बड़ा झटका दिया। It was at this moment that he knew he fucked up. और अगर तुम्हारे दोस्त कमीना पंती ना करे तो वो तुम्हारे दोस्त ही नहीं है यारो। तो ये हुई कुछ चीजें हम दोस्तों के बीच। सो फैमिली और दोस्तों ने मिलकर ये मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाया कि ये साल तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। सो ऐसे था मेरा इस साल का बर्थडे। और दिस टाइम वीडियो मैंने कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश की है। ज़रूर बताना कैसा था ये स्टाइल का वीडियो। नॉर्मली हम व्लॉग्स बनाते हैं, व्लॉग्स आर लाइक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस टॉकिंग, बट इस टाइम थोड़ा सा सोच समझ के बात की है। और एज अ स्टोरी हमने ये व्लॉग बनाया था। ज़रूर बताना कैसा लगा। सी यू, टाटा, बाय बाय।